राज्य बनने के बाद प्रदेश में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिनसे राजनीतिक परिदृश्य बदले, लेकिन चार साल पहले एक आईजीसीडी के जरिए फूटा अंतागढ़ टेप कांड अकेला ऐसा है जिसने अकेले के दम पर कांग्रेस तोड़ दी। पूर्व सीएम अजीत और अमित जोगी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके खिलाफ थाने में एफआईआर हो गई और अब चार साल बाद इस ऑडियो टेप का निशाना एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा हैं। मंतूराम के कोर्ट में हलफनामे के बाद डॉक्टर रमन को अभूतपूर्व संकट में डाला है। यही नहीं, भाजपा में भी दरारें पैदा करते हुए पार्टी के आदिवासी तुर्क रामविचार नेताम को विरोध में ला खड़ा किया है। टेप करीब तीन साल तक आरोपों के तौर पर चलता रहा, अब यह पुलिस थानों में बज रहा है और एक एक कर कई दिग्गज घेरे में आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह सुर्खियों में है और इसे लेकर बदलापुर के बयान भी आ रहे हैं। इसका खुलासा कांग्रेस की ओर से हुआ था, लेकिन इसने भाजपा से पहले कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा दी। मंतूराम को बिठाने 7 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई थी। अजीता और अमित तब कांग्रेस में थे। इसके बाद कांग्रेस ने अमित को बाहर कर दिया। उपेक्षा से त्रस्त अजीत ने नई पार्टी बनाई। मार्च 2015 में मंतूराम भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए घमासान सुर्खियों में सांसद बनने के बाद विक्रम उसेंडी ने अंतागढ़ के विधायक पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 12 सितंबर 2014 को वहां उपचुनाव हुआ। भाजपा कांग्रेस के अलावा कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। 28 अगस्त को 9 दावेदारों ने नाम वापस ले लिए। नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम ने 29 अगस्त को उम्मीदवारी छोड़ दी। कांग्रेस इसलिए ठगी रह गई क्योंकि वह दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती थी। इसके एक साल बाद दिसंबर 2015 में एक ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो ने यह बात सामने लाकर सनसनी फैला दी कि मंतूराम पवार को बिठाने के लिए 7 करोड़ का लेन देन हुआ। इस टेप में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, बेटे अमित, डॉक्टर पुनीत गुप्ता की आवाज होने का दावा किया गया था। यही अंतागढ़ टेप था जो खुलने के 4 साल बाद अब भी प्रदेश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। पिछली जांच ही संदेह के घेरे में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन मंतूराम के मुताबिक जांच कमेटी द्वारा उन्हें कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन आवाज के टेस्टिंग मैच नहीं करने के कारण याचिका रद्द कर दी गई थी। बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। इसे षड्यंत्र बताते हुए उन्होंने विशेष दल से जांच कराने की मांग की थी, लेकिन वहां याचिका अस्वीकार कर दी गई। इस मामले में मंतूराम पवार ने पिछले साल हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर इस पूरे मामले को खारिज करने की मांग की थी। अब तक 5 लोगों के खिलाफ केस। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता किरणमयी नायक के आवेदन पर पंडरी थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोनों पिता पुत्र के अलावा पूर्व मंत्री राजेश मूनत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार आयर डॉक्टर पुनीत गुप्ता शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस सरकार द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया है जिसकी कमान आईजी जीपी सिंह के पास है। एसआईटी अब तक मंतूराम से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। भाजपा में भी उभरने लगी है दरार। मंतूराम के उपचुनाव से हटने के बाद जहां कांग्रेस में खलबली मच गई थी, पार्टी 2 भागों में बंट गई थी, ठीक वैसी स्थिति अब बीजेपी में दिखाई देने लगी है। अंतागढ़ टेप कांड के खुलासे के समय इस मामले बीजेपी ने किनारा कर लिया था, लेकिन मंतूराम द्वारा 164 का बयान दर्ज करवाने के बाद बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान बढ़ गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह, पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूनत की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। इस मामले में राज्यसभा सांसद रामविचार ने मंतूराम के भाजपा प्रवेश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा करने को लेकर भाजपा संगठन को भी निशाने पर लिया है। नेताम ने कहा कि अध्यक्ष मंत्री के लिए 10 नहीं जुटते। मंतूराम कौन महाभारत जीत कर आया था जो इतना शोर हुआ? नेताम ने पार्टी संगठन को चेताते हुए यह भी कहा कि आम जनता के बीच जाकर आयर अपनी जगह बनानी होगी, नहीं तो आईडिशा का उदाहरण सबके सामने है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।